हेलो एवरीवन, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाई चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे। पाई चार्ट एमएस वर्ड में डेटा को सर्कुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। इस चार्ट का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ डेटा का तमाम डेटा के साथ प्रोपोर्शन यानी तनासुब और रिलेशनशिप को जाहिर करना है। मसलन पाकिस्तान की कुल आमदन जो है वो 1000 बिलियन है, तो इस आमदन में से कितना तनासुब टैक्सेस से हासिल होता है, कितना ग्रांट से हासिल होता है और कितना फीस और फाइन से हासिल होता है, तो इसको हम पाई चार्ट में बेहतर अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चार्ट की मदद से हम मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इसको कुल डेटा के परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, चार्ट का कमांड सेलेक्ट करें और ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप पाई के लेआउट सेलेक्ट करें, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये पाई चार्ट के मुख्तलिफ फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहे हैं। आप एक एक पर क्लिक करके देख ले, ठीक है। ये 3D चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ठीक है, और ये बार ऑफ पाई चार्ट है। तो इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ओके करूँगा तो ये पाई चार्ट अपीयर हो जाता है और इसके साथ साथ इसका ये एडिटिंग डायलॉग बॉक्स ये भी अपीयर हो जाता है। सपोज़ ये अपीयर नहीं होता या मैं इसको गलती से क्लोज कर लेता हूँ, तो उसको दोबारा स्क्रीन पर लाने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फिर एडिट डेटा का कमांड सेलेक्ट करूँगा तो ये दोबारा स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं इस चार्ट में पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है, कुल सालाना पाकिस्तान को जो आमदन हासिल होती है, इसके मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट है उसके प्रोपोर्शन को मैं इस चार्ट में जाहिर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। ये मेरे चार्ट का टाइटल भी हो जाएगा। अब ये कैटेगरीज है कॉलम ए में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसमें तमाम कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को टैक्सेस की मद में सालाना 100 बिलियन रेवेन्यू हासिल होती है, ग्रांट्स की सूरत में पाकिस्तान को हासिल होती है 80 बिलियन फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और फी की मद में गवर्नमेंट को हासिल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 40 बिलियन, ठीक है, और फाइन्स की मद में गवर्नमेंट को हासिल होती है 20 बिलियन रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, आप चार्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पे चार्ट का लेजेंड है। लेजेंड हमें बता रहा है कि टैक्सेस जो ब्लू पोर्शन है ये टैक्सेस की रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट करता है, जो ऑरेंज पोर्शन है ये ग्रांट्स की रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्राउन है ये फी, और येलो जो पोर्शन है ये फाइनेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है, इस टाइटल को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कर्सर आ जाता है और इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस चार्ट का लेआउट भी तब्दील कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेआउट तब्दील करने के लिए मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करूँगा और क्विक लेआउट के कमांड पर क्लिक करूँगा। अब इस एक एक कर्व को आप देख ले, ठीक है। लेआउट वन का जो फॉर्मेट है इसमें मुझे हर पोर्शन के साथ साथ उसकी परसेंटेज भी ये दिखा रहा है, ठीक है। मसलन टैक्सेस की मद में पाकिस्तान को 42% रेवेन्यू हासिल हो रही है, फाइन्स की मद में 8%, फी की मद में 17% और ग्रांट्स की मद में 33%। तो ये तमाम परसेंटेज मिलके 100% बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लेजेंड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मुझे जो चार्ट का टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला फॉर्मेट, तो इसमें अब लेजेंड के साथ साथ इसका टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है, यानी दोनों डिस्प्ले हो रहा है। और जो हर पोर्शन का जो डेटा है, जो प्रोपोर्शन है, जो फिगर्स है, वो भी उस पोर्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है परसेंटेज की सूरत में। अगर मैं ये वाला लेआउट सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखिए जो फिगर्स है या डेटा है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, टाइटल भी डिसअपियर हो गया और इसमें अब मुझे सिर्फ ये लेजेंड दिखा रहा है। तो इसी तरह आप अपनी पसंद का कोई भी लेआउट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चार्ट के एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो चार्ट के एलिमेंट्स से मुराद चार्ट का टाइटल है, लेजेंड है, ये जो मुख्तलिफ फिगर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये है पोर्शन से, और चार्ट का ओवरऑल लेआउट, इन सब को हम चार्ट एलिमेंट कहते हैं। तो चार्ट एलिमेंट में चेंजेस करने के लिए आप चार्ट को सेलेक्ट करें, एड चार्ट एलिमेंट के कमांड पे क्लिक करें। सबसे पहले हम चार्ट टाइटल को देखते हैं, ठीक है। अगर हम नन करते हैं तो चार्ट टाइटल डिसअपियर हो जाता है। अगर हम अबव चार्ट करते हैं तो अब चार्ट का जो टाइटल है ये चार्ट के अबव यानी ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम सेंटर्ड ओवरले करते हैं तो फिर ये इस तरह हो जाता है। अगर मैं मोर टाइटल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं चार्ट का जो टाइटल है इसके फिल कलर और बॉर्डर कलर में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले फिल कलर को देखते हैं, फिल के कमांड पर क्लिक करें,
अगर मैं नो फिल करता हूँ तो अब चार्ट का जो चार्ट टाइटल का जो फिल कलर है वो नहीं होगा। अगर मैं सॉलिड फिल करता हूँ तो अब मैं चार्ट टाइटल का जो फिल कलर है वो अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ग्रेडियंट फिल करूँ, ठीक है, तो मैं ग्रेडियंट पेपर मुख्तलिफ प्रीसेट ग्रेडियंट इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये मुख्तलिफ प्रीसेट ग्रेडियंट है, आप कोई भी चूज़ कर ले। फिर आप इसका टाइप किस तरह रखना चाहते हैं, लीनियर रखना चाहते हैं, रेडियल रखना चाहते हैं या रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी टाइप सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इस जो ग्रेडियंट इसका एंगल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी भी ऑप्शन है, आप एक एक अप्लाई करके देख ले और समझ ले कि फिर चार्ट टाइटल की जो ग्रेडियंट फिल है इसमें किस तरह की तब्दीलियाँ हो रही है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करूँ इस चार्ट टाइटल के फिल कलर में, ठीक है, तो मैं पिक्चर आर टेक्सचर फिल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा और अपनी पिक्चर फाइल को लोकेट करूंगा। मेरे पास सपोज़ ये डेस्कटॉप पर पड़ा है, ठीक है, मैं ये फुटबॉल वाला पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ, तो अब आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये जो चार्ट के टाइटल का फिल कलर है वो एक पिक्चर है जो मैंने सेलेक्ट किया है। और फिर इस पर ये दीगर ऑप्शन आप एक एक अप्लाई करके देख ले, ठीक है। सपोज़ मैं फिल कलर कोई नहीं रखना चाहता, बस मैं इसको नो फिल कर दूंगा। अब मैं इसके बॉर्डर कलर पर यानी इस चार्ट टाइटल के बॉर्डर पर कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, अगर नो लाइन करूँगा तो अब मेरे चार्ट टाइटल का बॉर्डर लाइन नहीं होगा। अगर मैं सॉलिड लाइन करता हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं ये सॉलिड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसकी विड्थ को बॉर्डर की जो लाइन है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं ये ज़्यादा हो गया, अब मैं इसको कम करता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं दीगर फॉर्मेट भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, इसकी ग्रेडियंट लाइन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसके इस पर दीगर ऑप्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। आप एक एक अप्लाई करके देख ले, ठीक है। इस ये चार्ट टाइटल हो गया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस चार्ट के दीगर एलिमेंट्स पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी मैं इसकी जो डेटा रिफ्लेक्शन है, जो मुख्तलिफ पोर्शन में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चार्ट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद फिर एड चार्ट एलिमेंट के कमांड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। डेटा लेबल पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा, अगर मैं नन करता हूँ तो ये देखिए चार्ट में से डेटा जो है ये डिसअपीयर हो गया है। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो अब हर चार्ट के हर पोर्शन का जो रिस्पेक्टेड डेटा है वो उसके सेंटर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इनसाइड एंड करता हूँ तो अब हर पोर्शन का जो रिस्पेक्टिव डेटा है वो हर पोर्शन के एंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं आउटसाइड एंड करता हूँ तो अब चार्ट के बाहर ये तमाम डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर पोर्शन का रिस्पेक्टिव डेटा उसके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं बेस्ट वेट करता हूँ तो अब जो इसके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसके मुताबिक ये डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। अगर मैं कॉल आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अब हर पोर्शन का जो रिस्पेक्टिव डेटा है वो उसके बाहर एक कॉल आउट की शेप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं मोर डेटा लेबल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो अब इस पर मैं दीगर भी कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकता हूँ, आप करके देख ले खुद, ठीक है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी इस चार्ट के लेजेंड में कोई कुछ तब्दीलियाँ करूँ, इसके अपियरेंसेज में, इसके लेआउट में, इसके डिस्प्ले में, ठीक है। तो चार्ट आउट को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर एड चार्ट एलिमेंट के कमांड पर क्लिक करूँगा और लेजेंड पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा। अगर मैं नन करता हूँ तो अब देखिए चार्ट के का जो लेजेंड है वो डिसअपियर हो गया है। अगर मैं राइट करता हूँ तो अब लेजेंड चार्ट के राइट में डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अगर मैं टॉप पे करूँ तो फिर अब देख सकते हैं कि चार्ट के टॉप पर ये लेजेंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट पे करूँ तो लेफ्ट पर रिफ्लेक्ट होगा और अगर बॉटम पे करूँ तो फिर ये बॉटम पर रिफ्लेक्ट होगा। और मोर लेआउट पर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो अब मैं इसमें इस पर दीगर भी कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज़ हम ये डेटा रखते हैं बॉटम पर, ठीक है। अब मैं इस चार्ट के कलर थीम में कुछ तब्दीलियाँ करना चाहता हूँ तो चार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा और चेंज कलर के कमांड पर क्लिक करूँगा और ये मुख्तलिफ कलर थीम में, ठीक है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं चार्ट के जो मुख्तलिफ पोर्शन है इनके कलर चेंज हो रहे हैं। तो कोई भी कलर थीम आप अपनी पसंद का पिक कर ले। अब सपोज मैं चाहता हूं कि मैं इस चार्ट के स्टाइल में कुछ तब्दीलियां करूं, ठीक है, तो चार्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं चार्ट स्टाइल के कमांड पर क्लिक करूंगा और या फिर यदि कि ये मुख्तलिफ स्टाइल्स है, आप में इसमें से अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, ठीक है, ये देखिए एक खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ट में कोई और कैटेगरी इंसर्ट करूँ, ठीक है, यानी पाकिस्तान की जो टैक्सेस की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है, जो रेवेन्यू की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, इसमें मैं कोई और कैटेगरी इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा चार्ट पर और एडिट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सपोज़ मैं फाइंस के बाद एक और
जो कैटेगरी वो एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लेके आऊँगा, ठीक है, और एक बार इंटर प्रेस करूँगा, सॉरी टैब प्रेस करूँगा, ठीक है, टैब से ये इंसर्ट हो गया है। अब सपोज़ ये मतलब ये लोन की रिकवरी से भी गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू हासिल हो रही है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था और अब वो रिकवर हो गए, और सपोज़ उस लोन की जो कुल मालियत थी वो $10 अरब थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें ये एक और कैटेगरी भी इंसर्ट हो गई। सपोज़ मैं ये फ़ी वाले कैटेगरी डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और डिलीट का कमांड सेलेक्ट करूँगा, तो अब ये इसमें से डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम पाई चार्ट मुख्तलिफ तरह के इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ट का फॉर्मेट चेंज करूँ, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा और चार्ट के कमांड पर क्लिक करूँगा, तो सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये भी एक खूबसूरत डिज़ाइन है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये अब ये एक सर्कल की सूरत में ये पाई रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये 40% जो टैक्स रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है ये टैक्सेस से हासिल हो रही है, 4% जो है ये लोन रिकवरी है, 8% जो है फाइन्स है, 16% जो है ये देखिए ये फी से रिफ्लेक्ट हो रही है, हम लेजेंड में ये हमें ये कलर के बारे में बता रहे हैं, और ये 32% जो है ये ग्रांट्स से रिसीव हो रही है। तो इसी तरह हम दीगर फॉर्मेट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।